अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत होंगे। आज आपके लिए मैं टोयोटा कोरोला क्रॉस का रिव्यू लेकर आया हूँ। फुल ऑप्शन सनरूफ वाली जो होती है, तीन वेरिएंट होते हैं। सबसे एक बेस वेरिएंट होता है, उसके बाद फिर मिड वेरिएंट होता है, फिर ये हाई ग्रेड वाला वेरिएंट है, वो है ये। अगले शेप की बात कर जाए तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मुझे लगा। LED फॉग लाइट ओरिजिनल है और LED लाइट से पूरी आप देख सकते हैं। DRL ऊपर ऑन है और LED इंडिकेटर हैं, आप देखें। और LEDs के अंदर जो है वो प्रोजेक्शन लैंप है लो और हाई बीम में, क्योंकि गाड़ी हाइब्रिड है तो उसके लिए इसलिए इसके पीछे जो है ये ब्लू आपको नज़र आ रहा है। और प्लास्टिक की ग्रिल है पूरी ग्लोसी, पार्किंग सेंसर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। लाइट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, गाड़ी को मतलब एक अलग ही लुक दे रही है। टायर्स की बात कर ली जाए तो ब्रिजस्टोन के टायर है ओरिजिनल, और 215 60 और 17 इंच की इसके अंदर अलार्म लगी हुई है ओरिजिनल। डिटेक्टर भी मिरर है, लॉक करने पे अनलॉक करने पे अनफोल्ड हो जाएंगे, लॉक करने पे फोल्ड हो जाएंगे। स्मार्ट एंट्री है गाड़ी में। पिछले शेप की बात कर ली जाए तो अच्छा है, अगली के हिसाब से मुझे मतलब ठीक लगा, वैसे अच्छा है। टेल लाइट में LED इंडिकेटर खागी कंपनी, आप देख सकते हैं हैलोजन इंडिकेटर दिया है। हाइब्रिड का एम्बलम कोरोला क्रॉस, T4 टायर अबास लॉक, रेयर में वाइपर भी है। वन टच पे ये ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है, 700 प्लस इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी है लीटर्स में। अंदर जो आप देख सकते हैं इसके अंदर लाइट भी है, ट्रंक ये सेपरेटर, नीचे जो है वो स्पेयर व्हील भी इसके अंदर जो है वो लहर में गुड है। इसको मैं बंद करना है तो अच्छा, रिमोट से भी यहाँ से हम इसको बंद और खोल सकते हैं। अभी आपको मैं चेक कराता हूँ, ये रिमोट है, इसको होल्ड करके रखा, ओपन हो रहा है, होल्ड हो गया, वापस बंद हो रहा है। ट्रंक का जो डोर है उसको ओपन करने के लिए मतलब तीन जगह से आप इसको ओपन कर सकते हैं। एक तो रिमोट से मैंने आपको दिखाया, एक अंदर से, एक फूट सेंसर है, देखें जैसे क्या खुद ही ओपन हो जाएगा। सामान अगर आपके दोनों हाथ में हो और फ्री नहीं है तो ऐसे, और बंद भी ऐसे ही होगा, ये देखें खुद ही बंद होगा। ये थोड़ा तेज़ है, ग्लोरी वाला तेज़ नहीं था, उसका मैंने किया था। इंजन की स्पेक्स की बात कर ली जाए तो 1800 cc इंजन है, 798 cc, और हाइब्रिड है और पेट्रोल है, 168 कंबाइन में है, 168 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, 305 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये जनरेट कर सकता है, दोनों मतलब इलेक्ट्रिक और पेट्रोल इंजन दोनों कंबाइन में। बिल्ड क्वालिटी तो A1 है, क्योंकि मेड इन थाईलैंड है गाड़ी, आप देख सकते हैं A1 बिल्कुल ही नॉट कमिंग स्लो। ABS ब्रेक, 6 एयरबैग, सेफ्टी सिक्योरिटी में, और गाड़ी का जो वेट है वो 1325 किलो है, 205 इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, बिल्कुल होंडा BRV जितनी, उसकी भी इतनी। इंटीरियर की बात करने से पहले रिमोट का सिस्टम आपको बताता हूँ। रेवो फॉर्चुनर की तरह रिमोट है इसका, यहाँ से आप इसको मश्किल भी कर सकते हैं, इसको होल्ड करके रखेंगे, ये आप मश्किल इसके साथ कर सकते हैं। और आपकी पॉकेट में रिमोट हो आप इसको अनलॉक और लॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट एंट्री है, ये देखें हाथ डालेंगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, और इसी बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखें गाड़ी लॉक हो जाएगी। अनलॉक करेंगे, दरवाजे खुल और बंद जो रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहे हैं। ये जो है वो लेदर है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मुझे लगा, इसकी जो डिज़ाइन है गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। चीप नहीं है प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक है, चीप नहीं है। लॉक अनलॉक फीचर, रीटेक मिरर का सिस्टम है, आप देख सकते हैं साइड व्यू मिरर को कंट्रोल करने के लिए, और बटन्स भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। सीट जो है वो पावर है पूरी इलेक्ट्रिक है, ड्राइवर की SRS एयरबैग आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर 6 एयरबैग है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब कर सकते हैं, अगर आप कोड आपको कंपनी ने यहाँ पे फ्री किया है। सीटों का और इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ये प्लास्टिक है, ये लेदर है, आप देख सकते हैं प्लास्टिक, इसी के एयर वेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। लाइट ऊपर नीचे करने का सिस्टम है, ट्रंक ओपनर है। गाड़ी में बैठते गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ब्रेक दबाएंगे,
रेडी रेडी लिखा हुआ है तो रेडी है, ऑटो करेंगे। और ऑटो एसी क्लाइमेट कंट्रोल है। यूएसबी मोबाइल चार्ज करने के लिए सीवीटी गियर बॉक्स है इसके अंदर। और इसके अंदर जो आपको बी नज़र आ रहा है ये लो गियर का सिस्टम है इसके अंदर। ड्राइविंग मोड देखें, ईवी मोड है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ड्राइविंग मोड ये है आप देख सकते हैं सर, पावर मोड, इको मोड और नॉर्मल मोड। हम रखेंगे इसको इको मोड पर। ग्लव बॉक्स एक की गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील हो रही है। ये वो है लेदर है। डुअल जोन एसी क्लाइमेट कंट्रोल है आप देख सकते हैं। पैसेंजर अपनी साइड का, ड्राइवर अपनी साइड का सेट कर सकता है। मैं अपनी साइड का ये देखें, अगर डुअल सिंक करेंगे, सिंक का बटन इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो करें तो दोनों एक ही जाएंगे। और ये सिस्टम हमें बता रहा है इंजन से बैटरी में जा रहा है, चार्जिंग वगैरह जो भी। ऑटो डिमिंग बैक व्यू मिरर है। डोम लाइट्स के लिए सिस्टम है पूरा। डोर पे सनरूफ है गाड़ी में, शशके वाली गाड़ी है जाहिर है। वन टच पे हो गया। ऊपर भी करें, छत ब्लैक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। इसके अंदर आईना भी गया है दोनों में। मेकअप वेकअप आपको करना हो तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। ग्लोव बॉक्स के अंदर भी 12 वाट का सॉकेट है, देख सकते हैं। आगे पीछे हो सकता है, दो कपड़ और यहाँ पर हैं, एक सामने आप देख सकते हैं, छोटी सी चीज़ सामान रखने के लिए। हैंड ब्रेक नहीं है, फुट ब्रेक है। ओके, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, क्रूज कंट्रोल है। अब आपको ड्राइविंग जब चलाऊंगा गाड़ी आपको बताऊंगा क्या सीन है इसका। और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी सेटिंग आ रही है, अगर मैं इसको कंट्रोल कराऊँ तो 17 का एवरेज दे रही है। इको जोन, गाड़ी को थोड़ा रेस देते हैं क्या सीन हो रहा है। फ्यूल का गेज है आप देख सकते हैं, और हीट की सुई है। मैं रेस दे रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। पिछले दरवाज़ों की बात कर लिया जाए, तकरीबन 90 डिग्रीज पे खुल रहे हैं और चार स्पीकर हैं दरवाज़ों में आप देख सकते हैं। ऊपर को कहीं भी नहीं है ऊपर, अच्छा डैशबोर्ड में है वहाँ पर कॉर्नर पर दोनों साइडों में। और सीट मैंने फुल पीछे की तो आपको बैठ के क्या बताऊँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि इसमें लेग रूम नहीं है। अगर ये सीट फुल पीछे है और फुल पीछे के सीन आपको दिखाऊँ तो, अगर हम आगे बैठते हैं आपको अभी दिखाता हूँ मैं। अब देखें जैसे देखें कितनी जगह है, अगर मैं बैठ रहा हूँ गाड़ी में, ठीक है, मेरे पाँव देखे पहुँच ही नहीं रहे। थोड़ा सा इसको आगे करता हूँ मैं ताकि मैं इजी होकर गाड़ी चलाऊँ। अब ये पोजीशन है कि मैं इसको गाड़ी को चला सकता हूँ इजी बिल्कुल। तो अब मैं जाके पीछे बैठ के आपको चेक कराता हूँ भाई। मेरी सेटिंग के हिसाब से मैंने आगे किया तो आप देख सकते हैं लेग रूम बहुत ज़्यादा है और बैठने का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है। लग रहा है आपको आवाज़ मेरी आ रही हो सही से। पीछे डोम लाइट्स भी हैं और ये देखें हेडरूम ठीक है, बिल्कुल बना इजी बैठा है। अच्छा इसमें जो है वो फुल मज़े वाली सीट है, फुल पीछे एयर वेंट्स भी है। मोबाइल चार्ज करने के लिए दो पोर्ट दिए हुए और पीछे एयर वेंट्स। बैक में आर्मरेस्ट भी है, दो कप होल्डर्स में, ऊपर दो डोम लाइट्स मैंने आपको बताई। मेरे साथ इस गाड़ी के ओनर हैं अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा शुक्रिया सबसे पहले तो आपने गाड़ी दी रिव्यू करने के लिए। माय प्लेजर। और सबसे पहले तो ये बताइए आपने ये कब ली और कितने के लिए आपको बुक कराई थी, क्या था कैसे था? ये मैंने लास्ट वीक ही ली है, बुकिंग पे मिली है। 8417 इसकी कंट्रोल प्राइस थी। 8417 जी। और विद होल्डिंग वगैरह या इस पे नहीं होती? नहीं, क्योंकि इंपोर्टेड गाड़ी है तो इस पे विद होल्डिंग नहीं होता है। सही, रजिस्ट्रेशन की क्या कॉस्ट? रजिस्ट्रेशन 2 लाख। 2 लाख में भी फाइलर पे? जी जी, सही है, 2 लाख की रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। अच्छा कब बुक कराई थी, कब मिली, कितना टाइम लगा? ये तो हमने मना बुक कराई थी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, ऑन इस पे नहीं था, तो उन्होंने कहा 4 दिन में हमें गाड़ी मिल गई थी फुल पेमेंट पे। वाह, मतलब बगैर ऑन के? सब जी जी जी, सही, मतलब यू समझे कि आपने रेडी ले ली, बुकिंग तो हम नहीं कह सकते। जी जी, फुल पेमेंट पे। फुल पेमेंट पे, ठीक है। ये आपने क्यों ली दूसरे, जो आप जो हमारे जैसे हो रही थी कन्वर्सेशन के यार, वो प्रोटोन भी है, ग्लोरी भी है, स्पोर्टेज भी है, कौन सी है वो हुंडे की जो दूसरी कार टूसोन भी है, वो मैं इसलिए ये सारी गाड़ियाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इस कैटेगरी में आती हैं। ये तो चले वो है हाइब्रिड है, वो पेट्रोल पे है सारी, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे यार वो भी थी, पर आपने ये ज़्यादा पैसे भर के ये क्यों ली?
उसकी रीज़न कोई? उसकी रीज़न तो सबसे पहले ये है कि द टोयोटा द ब्रांड इटसेल्फ नेम ही ऐसा है कि आप अगर इसको आप जितना चलाएं जहाँ पे भी फेंकें इस गाड़ी को और टोयोटा की ब्रांड की गाड़ी को तो इट विल बी ऑलवेज बी द रिलायबल एंड द बेस्ट इन इट्स क्लास। और हम लोग भी वेट कर रहे थे कि टोयोटा की कोई क्रॉसओवर आने वाली है, तो रूमर्स चल रहे थे जैसे कि कह रहे थे रैव फोर में भी लॉन्च करें या कोई, तो फिर हमने वेट किया। उसके बाद थाईलैंड में उन्होंने लॉन्च की, उसके बाद फिर हमने कहा अगर पाकिस्तान में आती, पाकिस्तान में आई, हमने देखा बिल्ड क्वालिटी देखी गाड़ी की, ऊपर से हाइब्रिड इज द प्लस पॉइंट 20 प्लस एवरेज दे रही है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती हैं कि यार टोयोटा भी है और इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है आपको विद प्रैक्टिकलिटी, सो नो ब्रेनर। सही विद कम्फर्ट। अच्छा, सही। अच्छा ये क्या कहते हैं, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि इसमें अगर हाइब्रिड नहीं भी होता तो आप लेते? नहीं, फिर ओपिनियन चेंज होता बिकॉज इतनी प्राइस में अगर नॉन हाइब्रिड ले रहे हैं आप तो वो फिर सोचने पे इंसान को मजबूर करती है। सही 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 सही, ठीक है। अच्छा 700 चलाई आपने? जी जी। तो कोई एवरेज आपको आया फ्यूल का? जी बिल्कुल, मैंने तकरीबन अभी 17.5 एवरेज मुझे ये शहर में दे रही है जो अभी आ रही है लाइव इसकी जी, और जी। मैंने दी भी है, कैलकुलेट की है, ओवरऑल मैंने इसकी जो कैलकुलेट की है 700 मैंने टैंक टू टैंक जो की है, मैंने पहला जो मैंने टैंक किया तो 650 किलोमीटर मेरी फर्स्ट टैंक पे चली थी और इसकी 36 लीटर की टैंक है और 34 लीटर मैंने डलवाए थे, तो मैंने कैलकुलेट की तो ऑलमोस्ट अच्छी खासी एवरेज बन रही थी अबाउट 20 के आसपास। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस में तो कोई मसला नहीं होगा? पूछना तो नहीं चाहिए फिर भी? बिल्कुल नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 लोगों के साथ भी बैठ के किसी भी स्पीड ब्रेक पर, अदरवाइज दूसरी ये क्रॉसओवर कैटेगरी की कार है तो इनमें ग्राउंड क्लियरेंस ही सबसे बेस्ट होती है। बेस्ट होती है, ठीक है। और डिग्गी में जो मतलब जगह है वो भी मेरे ख्याल बहुत ज्यादा है, 700 प्लस लीटर्स में इसकी स्पेस बहुत है, स्पेस बहुत है, तो आपको कोई इशू नहीं? नहीं बिल्कुल कोई। अच्छा, पीछे जो है फुल सीट पीछे करते तो अभी मैं नहीं बैठ सक रहा था इसमें, जी जी, फंस रहा था मैं, तो वो कोई मसला है आपको उसमें? नहीं, ज्यादातर पीछे तो अगर होता भी है तो अगर इस तरह से अगर आप बैठ रहे हैं तो आप सीट को थोड़ा आगे भी कर लेते हैं ना, तो आप आगे वाले सीट भी आराम से कंफर्टेबल होता है, पीछे वाला भी कंफर्टेबल होता है। मोस्टली जो मेजोरिटी कार है आपको पता है कि अगली वाली सीट कोई भी ज्यादा ना फुल पीछे नहीं करता, तो आराम से कोई एडजस्ट कर जाता है, तो वो इशू नहीं। आप किसी भी कार में लें तो यही इशू ज्यादा आता है, पर अदरवाइज का लेग रूम इज नॉमिनल, सही, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। कोई चीज मिस कर रहे हैं इसमें? हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जैसे कि आपको पता है इसकी कैटेगरी की सब गाड़ियों में ऑलमोस्ट पैनोरामिक सनरूफ आता है, वो इसके अंदर मिसिंग है, और मेरे ख्याल से इसके अंदर रिम्स अगर 18 के दे देते तो वो भी एक अच्छी इसका प्लस पॉइंट आता, क्योंकि इसके थाईलैंड वेरिएंट में जो स्पोर्ट्स वेरिएंट होता है उसमें आती हैं 18 की रिम्स, तो यही है। और तो उसके बाद इसके अलावा सारी चीज़ें हैं, पैनोरामिक तो मैं भी देख रहा था कि पैनोरामिक बाकी मिस है, दे देते, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें कोई चॉइस है क्या इसमें कलर में जो लेदर में? नहीं, इसमें कलर में चॉइस नहीं है, इसमें क्या होता है कि जो इसके लो ग्रेड वेरिएंट्स हैं उनमें ऑल ब्लैक आ जाता है इंटीरियर, तो इसका जो हाईएस्ट ग्रेड वेरिएंट है उसके अंदर ये ब्राउन जो V8 के अंदर आता है वो ब्रूनो ब्राउन कलर इंटीरियर प्लस ब्लैक। ब्लैक जी, सही। कुछ कहेंगे गाड़ी के बारे में? मैं चलने में पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? इससे पहले तो मेरे पास काफी सारी रखी हुई है, ग्रैंडी भी रखी हुई है, प्राडो TX भी रखी हुई है। आप प्राडो का कुछ कह रहे थे मुझे भी? हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि मैंने जितनी भी गाड़ियां अब तक रखी हैं उससे इसका जो सस्पेंशन में किसी कार से अगर मैं कंपेरेबल रखूंगा तो दैट वाज प्राडो TX जो मेरे पास खुद भी थी पर्सनली, तो वो उससे मैं कंपेयर करूंगा क्योंकि इसका कंफर्ट लेवल और साउंड डेडनिंग, अच्छा, कि आप अंदर बैठ रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि बाहर की दुनिया से आप बिल्कुल कट ऑफ हो गए, इतनी ज्यादा इसकी साउंड डेडनिंग अच्छी है माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अब्दुल्ला भाई, इसमें एक तो मुझे ये बताइए कि आपने इसमें कितना मतलब एक ही टाइम पे मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसे कितने किलोमीटर आपने एक ही जर्नी की है ज्यादा से ज्यादा, और दूसरा है कि आपने कितने तक इसको चलाया? हाँ, इस पे जो अभी तक मैंने ब्रांड न्यू कार है तो लॉन्गेस्ट जर्नी मैंने जर्नी की थी वो दैट वाज हैदराबाद से लेके सन गए थे, सन से हम लोग फिर नवाबशाह गए थे, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है जी। और कितने तक गए चला है आपने इसको? इसके अंदर इंटरनेशनली 173 पे स्पीड लिमिटर है तो दैट वाज द स्पीड लिमिटर, वहाँ तक चलाई 173 वाज लॉक। ये क्यों 73 पे? पहली बात कि देखें ओवर स्पीडिंग इज अ वेरी बैड थिंग, इंसान को करना चाहिए कि जिंदगी मौत का खेल है, और दूसरी बात कि अगर 173 इज अ सेफ जोन, इसमें अगर आपकी गाड़ी का स्पीड लिमिटर आता है, क्योंकि मोस्टली जैपनीज कार सब में ही आता है
हालांकि ये जापानीज नहीं, थाईलैंड असेंबल्ड है, तो इसमें भी लिमिटर है 173 पे, सेफ्टी के हिसाब से भी अच्छा है। सही है, सेफ्टी में इसमें 6 एयरबैग है, 2 7 एयरबैग जी जी। अच्छा, और ABS ब्रेक है, EBD है, और क्या है, ESC है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है जी। और क्रूज जो है वो अडैप्टिव है, ऐसे ही है? नहीं, क्रूज इसका नॉर्मल है, नॉन अडैप्टिव। सही, वो रिलायबल है, अच्छा है जी, पार्किंग सेंसर भी है, ठीक है, ये रेन सेंसर भी लगा हुआ है, रेन सेंसर भी लगा हुआ है। सही। और कुछ कहेंगे गाड़ी के बारे में? और तो बस मैं ये, कोई लेना चाह रहा हो कोई बंदा, उसको आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं कहूँगा कि अगर आप देखें अफोर्ड कर सकते हैं, अगर रिवो अफोर्ड कर सकते हैं आप अपना थोड़ा बजट स्ट्रेच करके, और आपको अगर ज़्यादा ऑफ रोडिंग का अगर नहीं है, तो मैं आपको एब्सोल्युटली ये कहूँगा कि आप गाड़ी लें, क्योंकि इसका कम्फर्ट लेवल इसकी क्योंकि टोयोटा है, रिलायबिलिटी, और दूसरी बात के प्लस पॉइंट नेटवर्क, ऑब्वियसली आप कहीं पे भी जाएं तो टोयोटा का आपको शोरूम और वर्कशॉप मिलता है, तो गाड़ी आप ले जाएं, उसके बाद आपकी फ्यूल इकोनॉमी जो इसकी मेजर फैक्टर इसकी जो मिल रही है जो कि 20+ है, तो दैट इज एन अमेजिंग थिंग। आप इसको नॉर्मल फ्यूल पे चलाएं, और आप वैसे ही पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि बड़े बड़े लोग भी सोचने पे मजबूर हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी नाइस। एसी की चिलिंग ओके, बिल्कुल एसी इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अच्छी है, ठंडा कर देती है, चिल बहुत है, चिल कर देती है। अच्छा, रोड ग्रिप हैंडलिंग बहुत जबरदस्त है, बहुत निम्बल कार है, जहाँ पे स्टेयरिंग करें उसी वक्त इसका स्नैप होके स्टेयरिंग वहाँ पे जाती है गाड़ी। तो भाई ये था अब्दुल्ला भाई का एक्सपीरियंस इनकी कोरोला क्रॉस के साथ, और अभी आपको मैं POV एक्सपीरियंस अपना देता हूँ गाड़ी चलाकर, देखते हैं कि गाड़ी चलने में कैसी ब्रेकिंग वगैरह, 0-100 वगैरह। अभी मैं कोरोला क्रॉस को ड्राइव करूँगा और आपको एक्सपीरियंस देता हूँ। बाहर की जो आवाज़ है वो फुल ख़त्म हो जाती है, स्टीयरिंग ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, गाड़ी भी इको मोड पर है, ईवी मोड पे मैं इसको कर रहा हूँ, लेकिन ये लिखा हुआ ईवी मोड अनअवेलेबल, हाइब्रिड बैटरी लो। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक इसमें जो है वो मिसिंग है, इसके जो विंडो है ये वाले इन्होंने टिंट खुद कराए, ओरिजिनल कंपनी से नहीं आते। अच्छा, स्पीडोमीटर जो है पूरा वो है, क्या कहते हैं, डिजिटल है, सिर्फ ये जो एको पावर और CH4 जो लिखा हुआ है ऑफ, ये वाला जो है वो रियल है, बाकी ये जो स्क्रीन है पूरी TFT स्क्रीन है शायद। हर चीज़ हाथ के करीब ही है बिल्कुल, AC का सिस्टम, गियर बहुत ज़्यादा स्मूथ है जो है ना, तब और फिनिशिंग टच भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, पावर माशाल्लाह। ब्रेक दबाएं तो हाइब्रिड, आपको पता है हाइब्रिड का सिस्टम, ब्रेक जैसे अप्लाई करेंगे गाड़ी की बैटरी जो है वो चार्ज होगी। इसका जो है वो क्रूज क्लिक करेंगे, ये सामने आप लाइट देख सकते हैं छोटी सी, सेट दबाएं, गाड़ी खुद ही चल रही है, ऑटो जानी चला रहा है, कैंसिल कर दें या ब्रेक दबा दें, गाड़ी खुद ही लॉक हो गई थी, फिर जैसे पार्किंग में करेंगे तो खड़ी करके तो फिर अनलॉक भी खुद ही होगी। स्टेयरिंग के ऊपर जो ये सिलाई है ये उन्होंने खुद लगवाई आफ्टर मार्केट, फील बहुत ज़्यादा अच्छी है, सस्पेंशन भी सॉफ्ट है गाड़ी का, हार्ड नहीं है जैसे अब्दुल्ला भाई बता रहे थे, फील अच्छी है गाड़ी की। विजिबिलिटी भी अच्छी है, यहाँ से भी कोई इशू नहीं है। रोड ग्रिप भी अच्छी है, ब्रेक मुझे याद है मैंने किया सोरेंटो का भी ब्रेक अप्लाई किया था, क्योंकि वो भी हमने जो है वो कन्वर्जेशन में वो मिस किए कि वो इतने पैसों में मिल जाती है, उसकी ब्रेक जो है उसकी इससे कम थी, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे अच्छी लगी ब्रेकिंग।
इसको हम स्पोर्ट्स मोड पे भी करेंगे, पावर मोड पे। इसका जो मोड जो है उसके अंदर पावर मोड है, उस पर करके गाड़ी को 0 to 100 भी करेंगे। रोड ग्रिप भी गाड़ी की अच्छी है, ब्रेकिंग भी अच्छी है, एक्सेलरेशन भी अच्छी है, गाड़ी अंडर पावर फील नहीं होती। वेट और इंजन कैपेसिटी के हिसाब से ठीक है। गाड़ी स्पोर्ट्स मोड पर है और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है और एसी भी बंद है। इसका हम 0 to 100 अब चेक करते हैं। 3, 2, 1 गो। मुझे उम्मीद है मैंने टोयोटा क्रोला क्रॉस के बारे में पूरी चीज़ें कवर की होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और मैं वीडियो एंड करने से पहले फिर से अब्दुल्ला भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे गाड़ी दी रिव्यू करने के लिए। आपके पास भी ऐसी कोई गाड़ी हो हैदराबाद में तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम पर भी भाई को फॉलो करें। तो शुक्रिया।